कश्मीर की सर्दी की सख्त सर्दी ये कांगड़ी ही गर्मी देती है। जलते हुए कोयले से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन इसके हैंडल से फीरान के नीचे रखा जाता है। वादी के लोग एक लंबा ढीला ढाला लिबास पहनते हैं। ये बर्तन सदियों के दौरान आर्ट के एक नमूने के तौर पर तैयार हुआ है, जिसको इस तरह ढांक दिया गया है जैसे इसे खूबसूरत डिजाइनों में बने हुए अख्तर के साथ बनाया गया है। सबसे बेहतरीन और महंगी कांगड़ी, जिसे चार कांगड़ी के नाम से जाना जाता है, काफ जिसके गिर्द पुतली टहनियां आसानी से पहचाने जाने वाले डिजाइन में बनी हुई है। टहनियों को उबलते हुए पानी में इस वक्त तक भिगो दिया जाता है जब तक के नर्म और छाल छल न जाए। कांगड़ी साजी एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से मर्द और ख्वातीन काम करते हैं। बर्तन को कुम्हार फराहम करता है, जबकि हजारों लोग खिजा में मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों की टहनियां और पत्तों को जलाकर कोयला तैयार करते हैं। कुछ लोग नानबाइयों से मियारी चारकोल खरीदते हैं जो लकड़ी के तंदूर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही देग और कोयला सर्दियों से पहले मार्केट में आते हैं, किराना और सब्जी फरोश उन्हें अपने सामान में शामिल करते हैं। फुटपाथ फरोश और सफर करने वाले सेल्समैन भी हैं। कांगड़ी कश्मीरी सकाफत का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर वालिदैन अपनी बेटी को उसकी शादी के बाद पहली सर्दियों में खुसूसी तौर पर डिजाइन किया हुआ बर्तन देते हैं। अगरचे ये बर्तन अब भी शहरी और देही दोनों इलाकों में बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बिजली और गैस के हीटर से महरूम हो रहा है। गर्म बर्तन का एक बुरा असर खारिश और जलना है। हाल ही में किंगरी को अमीर घरानों में, खास तौर पर शहरी कश्मीर में, आर्ट के काम के तौर पर दिखाया जाता है। जब जदीद हीटिंग अप्लायंसेस सस्ती हो जाएं, तो बर्तन बिलाखिर एक कदीम टुकड़े में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसमें कम अज कम एक दो दहाइयां लगेंगी। अगर गन चल मूज मूज गवर्नमेंटन घर घर सारी मुलाजिम लगम सारी मूज जन तिज मुलाजिम शुर तिंद मुलाजिम अस गवर्नमेंट सनाम जहाँ चलो अगर वो कार पुन करा चल यह कांगड़ बना पे पान से हमें सख्ती मगर अगर गवर्नमेंट तह अत कुन तवजो अस त करे सबसिडी दिए लोन दिए अस बढ़ाओ यह कार गो पत् क्या सोन बच्चे पढ़ा लिखा तम दुम हमें पत् क्या तम मान वा समाज कुन समाज बल मगर शुक्र खुदा कुन अस पुन अयाल रोजगार चलान वह बोने कत नव क्या माना वह अत रोपि दह लगान वक्त तौर से रोपि दह शाट ग ना अत कुन सना नया नया ग नकदी नकदी आसन तो लिहाजा कि अगर कंगड़ पचा वन अत लग मे दह दह ब्रेक क्या इस कल गोर तील नून चाय लिदर मरचांग आस कल कंगड़ हथ या पचा तैयार पत् कम पचा अति मकल मे मगर तुम चोर से आज खर्ची ज्यादा वह बोने कत मटेरियल पे अत अन अगर मे ओम ओत तकरीबन पचहन सा मटेरियल कह कुंडल वंडल सोरी अस कुंडल जनाब मोहतरम यह कम बना ब्रोट रोपन या डायन या दहन बना आज वह पुंच रोपये कुंडल ग तो वह अगर जनाब मोहतरम द्रोह दो द्रजर गो ना ब्रो अगर कुंडल हत अन सह ग रोपये सास या रोपये ब्रमिस दौर में रोपये डायन हतन ग आज कुंडल हथ ग पुचहन शतन अगर वो सास कहें गई पुंच सास रुपये पे दिन बहुत गुजारिश ये कि गवर्नमेंट एल जी साहब डी सी साहब।